अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है। उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर भी कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर, गांव, कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई है। प्रीतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण, पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की, मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम तो अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी ये नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा ये वक्ष जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी की सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। हमसे ये बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम व्रज मंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए। और ये भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रख कर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। और यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एकरस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते, तब उनके उज्ज्वल उज्ज्वल दांत कुंद कनी के समान जान पड़ते। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था पदार्पण किया। वो यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदिनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की।
हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जंघा, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को परमोज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं, वे कुछ मानवती हो गईं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए।